हेलो गाइस, राधे राधे। अभी समय हो रहा है 23:23। अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक रेस्ट एरिया में रुके हैं कुछ खाना पीना करने के लिए। बहुत तेज भूख लगी है भाई, 11:30 रात को कहीं खाना वाना नहीं मिलता है इस एक्सप्रेसवे पे। फिर से क्या चुर चुर नैन। देखिए भूख काफी जोरों से थी तो इसीलिए खाना स्टार्ट हो चुका है। बिना वेट करे अपन स्टार्ट कर, मैं भी खा लेता हूँ, रख देता हूँ इसे। यहाँ पे बहुत ठंड है, वैसे आपको मैं प्रेमपाल जी को देख के थोड़ा गुमराह मत हो जाना, ठंड बहुत है। बस ये अपनी गाड़ी में से कैप निकालना भूल गए। बैठो 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 ऋषिकेश, बैठो बैठो बैठो। बहुत ही शानदार ठंड है एकदम। आपकी कैसी रही? एकदम शानदार, एक नंबर। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रेमपाल जी के मुँह से एक ही गाना आ रहा था, मैं राधा वल्लभ की। लगभग टाइम हो रहा है 7:00। हम मॉर्निंग में, आज 26 जनवरी है और पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ संगम, अलकनंदा और भागीरथी जो नदी आ रही है उन दोनों का संगम पॉइंट, ये देखिए। चलिए अब चलते हैं चोपटा। अभी देवप्रयाग से निकलते ही हमें लगी भूख तो यहाँ पे रुके हैं। अभी नाश्ता चल रहा है, मैगी आ चुकी है एक प्लेट, दो प्लेट। हाँ, तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है धारी देवी माता का मंदिर। और मान्यता ये है कि अपने चारों धाम है उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे ये विराजमान है, तो इसको हटाने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद विशालकाय रुद्र बाढ़ आ गई थी केदारनाथ में, जिसके बारे में आप लोगों को सबको पता है था। तो उसके बाद वापस से इसको छोड़ दिया गया, जहाँ जैसी थी वहाँ पे ये है। तो ये मान्यता है कि ये माता जो जितने भी चार धाम हैं उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे विराजमान है। हवा नहीं है लेकिन ठंड बहुत लग रही है और पैर भी काफ़ी ठंडे हो रहे हैं, जुराब चप्पल सब उतार दिए हैं। इधर बीच व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जेट स्काई मिल जाएगा। हम जा रहे हैं अभी धारी देवी माता के मंदिर में। देख रहा हूँ कैमरे के लिए तो नहीं लिखा हुआ। अभी मैं वहाँ से नीचे उतर के आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हो धारी देवी माता का मंदिर और ये आप गंगा नदी देख सकते हो अलकनंदा। और यहाँ मैं बीच साइड में आप देख सकते हो पूरा बीच है। यहाँ पे जेट स्काई कर सकते हो, जो जेट स्कूटर आता है उसके थ्रू आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। उसका प्राइसिंग वगैरह का डिटेल का आइडिया नहीं है। ठीक है, खड़ी करके गए थे एक रेड गाड़ी, आए हैं वापस तो यहाँ पे 3 रेड गाड़ी हो गई। मामला ऐसा है कि ये ऊंची गाड़ी फिर भी आ रहा है। डैशबोर्ड पूरा ही खोल, पूरा ही खोल, छोड़ दे एक बार। तो चोपटा से 7 किलोमीटर पहले हम अभी यहाँ पर रुके हैं। ये है द बंकर हाउस, ये भी हमने YouTube पे देखा था तो इसीलिए हम यहाँ पे रुके हैं। और अंदर जाएंगे, लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे अपने स्टे पॉइंट पे। ये है बंकर हाउस का कैफ़े जहाँ पे हमने अभी बैठ के लंच किया है। यहाँ पे प्रॉपर नीचे बैठ के सेटिंग है, तो प्रॉपर गद्दे कुशन और टेबल लगी हुई हैं। और खाना भी है, खाने की क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है। तो आप कभी भी अगर चोपटा या चंद्रशेखर ट्रैक पे आओ तो चोपटा से 7 किलोमीटर पहले आपको ये मिल जाएगा द बंकर हाउस। अन्ना प्रेमपाल जी
थोड़ा झूला झूल लिया जाए हवा में। बिल्कुल सर। अरे क्या है आगे, कैसा लगा बंकर हाउस? ऑसम, ऑसम प्लेस आपकी नज़र में? बहुत ही बढ़िया, जैसे कि हमने रिव्यू सुने थे इसके वैसा ही क्वालिटी मिली है खाने में, बाकी सब बढ़िया। तो हम चोपटा से पहले जो हमारा स्टे पॉइंट है चोपटा स्विस कैंप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारा स्टे पॉइंट चोपटा स्विस कैंप। तो और ऊपर भी जा रही है वैसे यहीं पे क्यों रोकती है? ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर, और ये देखिए कुछ कैंप है जिनमें हमारा स्टे है। तो ये पीछे आप मेरे देख रहे हो, ये जो आप कैंप दिख रहा है इसके पीछे वाला सेम ऐसा ही है, उसके वो कैंप मिला है हमें। हम पांचों लोग एक ही कैंप में हैं जो हम जयपुर से आए एक साथ। जो 6 बजे के आसपास सब लोग उठ जाना, क्योंकि रेडी भी होना होता है भाई। 5 बजे उठने वाले लोग नहीं, वो 5 बजे जो उठ गया अच्छा है, बाकी 6 बजे के आसपास भी मतलब उठ जाना सब लोग, ताकि 7 बजे के आसपास हम लोग ब्रेकफास्ट करवा के 7:30 तक ऊपर चले जाए। 8 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दे अपना, यही करना है तो उठेंगे। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा है यहाँ, वादा करके मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सबसे हसी है इस रात को तुम थाम लो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो आज है 27 जनवरी, दूसरा दिन चोपटा में हो चुका है। अभी करीब 6:30 बज रहे हैं और गर्म पानी का इंतज़ार हो रहा है, और फ्रेश होके निकलेंगे 7:30 से 8 बजे तक चंद्रशिला ट्रैक के लिए। और भैया जी बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे। चलिए अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तब वीडियो कंटिन्यू करेंगे। भैया जी आपका नाम क्या है? आशीष फ्रॉम उखीमठ उत्तराखंड। आशीष। हेलो दोस्तों, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट में किया आलू के पराठे और चाय। तो फिलहाल अभी हम सामान पैक करके आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी पीछे की तरफ है, और हमारे साथ ये 2 टेम्पो ट्रैवलर है जो हमारे ग्रुप में ही है, टोटल 25 लोग। तो इनका जो पैकेज है दिल्ली टू दिल्ली है, हमारा चोपटा टू चोपटा है, 3700 रुपये हमने बुक किया है थ्रिल फोलिया से। और जो बाकी के जो ये लोग हैं 2 टेम्पो ट्रैवलर आए हैं दिल्ली टू दिल्ली है, तो इनका पैकेज कुछ 6800 कुछ का है। श्री राधे। सो वी आर गोइंग टू चोपटा, अभी हम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हैं चोपटा से, और उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ से 400 मीटर दूर ही से हमारी ट्रैक स्टार्ट हो जाएगी चंद्रशिला के लिए, और रास्ते में पड़ेगा तुंगनाथ मंदिर, वहाँ पे आपको जरूर दर्शन कराएंगे, हम करें ना करें आपको जरूर कराएंगे। बाहर से कपाट तो बंद है शर्मा जी, हमारे पहले ही बोल चुके हैं कपाट तो बंद है। कपाट तो बंद है, कपाट नहीं मिल पाएंगे आपको। कपाट नहीं मिलेंगे? कपाट तो मिलेंगे लेकिन बंद मिलेंगे। सो अभी हम उस एंड उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से चंद्रशिला ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी जस्ट यहां पे गाड़ी पार्क की है, और यहां पे एक मंदिर है उसके गेट पे हमें जाना है, वहां से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी यहां पे सिर्फ रुके हैं ताकि सब लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि पूरा ग्रुप है हमारा 25 लोगों का, तो उनके साथ 2 गाइड चलेंगे। ये है ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पे एक ग्रुप फोटो होगी और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से ट्रैकिंग के लिए। आर यू रेडी? वी आर रेडी टू गो फॉर द तंगनाथ मंदिर। ओके, आर यू रेडी गाइस? यस गाइस, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाय। हर हर महादेव। कहाँ गए बाकी के? हरे हरे महादेव। तो ट्रैकिंग हो चुकी है स्टार्ट, होले होले कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, थोड़ी थकान हो रही है, बाकी बहुत एंजॉय, मज़ा आ रहा है। ग्लव्स उतर चुके हैं, कैप उतर चुकी है, मास्क हटा दिया है, ठंड तो लगी नहीं रही है, और रास्ता किस तरह का है ये देखिए, सीधी चढ़ाई है। तो हम लगभग कितना ट्रैक कर चुके हैं अभी?
ऑलमोस्ट 500 मीटर 500 मीटर की है, लेकिन हमें लग रहा है हमने बहुत पैदल चल लिया, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। अभी तो मंजिल बाकी है दोस्त, छाया में है तो इसलिए ठंड लग रही है। कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं बीच में से शॉर्टकट अपना रहे हैं जो मना किया था, बाकी थोड़ा रिस्की है ये, कोई मतलब ही नहीं है ना। समुद्र तल से तकरीबन 11,000 फीट पे है, और जहाँ हमको जाना है पीक पे वो करीब होगा 12,000 फीट पे, 12,110 फीट पे। कई शॉर्टकट लेने के चक्कर में लगता है मुझे कुछ गलती कर दी, शॉर्टकट ले तो लिया लेकिन ज़्यादा थकान हो गई, अब शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं चढ़ेंगे। और अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, दो लोग आ रहे हैं अभी। ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ की। देखिए आप व्यू अमेजिंग, ये देखिए ये बर्फ़ है, ताज़ा ताज़ा नहीं है, काफ़ी पुरानी लग रही है, ताज़ा ताज़ा कुछ भी नहीं है, ताज़ा धूप है, ताज़ा सिर्फ हमें। बम बम बोले, चल भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा ज़्यादा, फिर भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। पाँच मिनट चल रहे हैं, हर बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है 5 मिनट में ही। हम चॉकलेट खा रहे हैं, आप भी चॉकलेट खत्म हो जाएगी, ट्रैक खत्म नहीं होगा। चॉकलेट को हम बिल्कुल बारीक बारीक खा रहे हैं, बोतल से एनर्जी बराबर रहे। एक बोतल है हमारे पास जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, पर हो नहीं रही, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हो जाएगी। मौजी कर दो खत्म, चलिए करते हैं खत्म बोतल। और तो यहाँ तक करीब हम 3 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें यहाँ पे तुंगना टेंपल दिखाई दे गया है जो कि 1 किलोमीटर है, और उसके बाद 1 किलोमीटर बाकी है चंद्रशिला ट्रैक जिसे भी कंप्लीट करना है, 5 किलोमीटर की ट्रैक। तो काफ़ी आराम से आ रहे हैं रेस्ट कर करके, और ये देखिए उस तरफ है तुंगना टेंपल, और वो जो लास्ट में आप पीक देख रहे हो वो है चंद्रशिला का ट्रैक लास्ट पीक। तुंगना टेंपल हम पहुँच चुके हैं, जस्ट पीछे ही है, बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी पैदल चल के आए, थक गए हैं, बहुत ही थक गए हैं। और इधर आप देखिए ये पूरी आप देख सकते हो बर्फ़ है, ताज़ा नहीं है, इस बार बर्फ़ थोड़ी कम ही हो रही है पहाड़ी इलाके में। ये देखिए ये पहुँच चुके हैं हम तुंगना टेंपल, और इससे आगे है 1 किलोमीटर आगे चंद्रशिला ट्रैक का भी बाकी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये है 3 नंबर का केदार बाबा तुंगनाथ। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे केदारनाथ जी हैं, और जिसके हम दर्शन करने आए हैं, और अभी कपाट बंद है, दर्शन हो नहीं पाएंगे। इसके आगे चंद्र चला है भोले। तो अब तुंगना टेंपल पे स्टे करके किया जा रहा है लंच, और लंच में हमें पैक करके दिए थे चावल, पुलाव, एक फ्रूटी माजा और चॉकलेट। चॉकलेट और फ्रूटी माजा सब हो चुके हैं कंप्लीट, और ये प्रेमपाल जी अब खा रहे हैं पुलाव। कैसे हैं पुलाव? पुलाव एक नंबर बनाए हैं भाई ने, बढ़िया। हाँ ये पुलाव और ये जो भी लंच है ये हमारे पैकेज में इंक्लूड था थ्रिल फोलिया की तरफ से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तुंगना टेंपल, और ये तुंगना टेंपल है ये पांडवों का बनाया हुआ है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसने चचेरे भाइयों और गुरुओं का वध कर दिया था, तो उसके बाद वो की जो आत्मगिलानी थी वो दूर करना चाहते थे, तो उसके लिए उनको एक व्यास ऋषि थे, उन्होंने उनको बोला था कि आपको शिवजी से शिवजी के दर्शन करने होंगे, उन तभी आपको ये श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो उस चीज़ के लिए वो शिवजी के दर्शन करने के उनके पीछे गए, लेकिन शिवजी उनसे काफ़ी नाराज़ थे इस बात को लेके, क्योंकि उन्होंने अपने चचारे भाइयों और गुरुओं का वध किया था, तो वो अपने आप को काशी में खो गए। लेकिन वहाँ भी पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन फिर उसके बाद वो केदारनाथ में जाके अपना बहुत बड़ा एक बैल का रूप धारण किया, लेकिन उसके बाद भी पांडवों ने उनके वहाँ जाके उनको पहचान लिया और उनको स्पर्श किया, और उसके बाद जो शिवजी भगवान है वो अपने पंच केदार मतलब 5 जगह पर उन्होंने अपने आप को गुप्त कर लिया, और उसी जगह में से एक है गुप्त ये तुंगनाथ। यहाँ पे उनका हृदय हार्ट और बाहु मतलब उनके बाजुएं उसका यहाँ पे पार्ट है, जो उनके 5 हिस्से बढ़ चुके थे पंच केदार में, तो उसमें से ये 3 नंबर का केदार है तुंगनाथ टेंपल जो कि है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताया इसके पीछे का इतिहास, और यहाँ तक कि हमने ट्रैकिंग की है। चंद्रशिला थोड़ा 1 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ मैं नहीं गया हूँ,
तो इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया चंद्रशिला ट्रैक, पर हम चंद्रशिला तक तो नहीं गए लेकिन तुंगनाथ टेंपल तक आपको ट्रैक दिखाया और थोड़ा इसके बारे में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए। जय भोलेनाथ, राधे राधे।